तीन कारण से। एक तो पहला है कि सरकार को और लोकल अथॉरिटी को धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने कोरोना का बड़ा ढंग से मैनेजमेंट किया और आज स्थिति काफ़ी अच्छी है। वैक्सीन भी स्टार्ट हो गया है, वैक्सीन भी चल रहा है, तो ये बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए भी, शहर के लिए भी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो ये है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो सेंट्रल में लागू हुआ वो सभी स्टेट को दे दिया गया था कि अपने हिसाब से आप इसको मैनिपुलेट करके अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। अब तक किसी तरह का एक्टिविटी हमारे झारखंड में हमारे ख्याल से बहुत नहीं था। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन कराया होंगे बट IMA भी इस पॉइंट पर क्लियर नहीं थी कि क्या स्टैंड है। रिसेंटली जो नोटिस आई हम लोगों के चीफ सेक्रेटरी से, हेल्थ सेक्रेटरी से कि 30 तारीख के अंदर में सभी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लें, अन्यथा पहला दूसरा तीसरे बार में 50,000, 2.5 लाख और 5 लाख का फाइन किया जाएगा। ये थोड़ा से असंगत ऐसा लग रहा है देख करके कि 10 दिन में कैसे करा लें, क्या कराएं, कैसे कराएं। 80% 70% डॉक्टर्स को कुछ पता नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, कहां कराएं और इस 10 दिन में कैसे संभव है। हम लोग का एक बात बोलने का है कि जब झारखंड जैसा शहर में, देश में, राज्य में जहाँ गरीबी अभी भी कंपेरेटिवली अधिक है, काफ़ी गरीब तबके के लोग भी हैं, जहाँ छोटा छोटा क्लिनिक में डॉक्टर कम से कम खर्च में पेशेंट का इलाज करता है और उन्हें ठीक कर लेता है, वैसा कंडीशन में ये अगर लागू हो जाता है, उस कंडीशन में ये लागू करने के लिए काफ़ी ज़मीन चाहिए, बहुत तरह के रिक्वायरमेंट है जो उसको फुलफिल करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, और वैसा केस में गरीबों का इलाज नहीं हो पाएगा और कॉरपोरेट को बढ़ावा मिलेगा इसमें, जहाँ की लोग इलाज कराने में परेशान हो जाएंगे। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से एज ए IMA बॉडी कि इस नियम को फिर से एक बार रिव्यू किया जाए और इस पर एक बार फिर से कमेटी बना के डिस्कस किया जाए, डॉक्टर को उसके बारे में पूरा ज्ञान दिया जाए और उचित तरीका से अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो मिनिमम खर्च पर रजिस्ट्रेशन कराने का सुविधा हो, बट प्रॉपर टाइम दिया जाए ताकि डॉक्टर सही टाइम में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सके। तीसरा चीज़ है कि डॉक्टर जो डेथ हुआ है अभी कोरोना के बीमारी में, उनको अभी तक कंपनसेशन का कोई स्थिति बहुत क्लियर नहीं है। काफ़ी दिन से सुन रहे हैं कि स्टेट से आ रहा है मैसेज, हमारे पास भी 2-3 बार मैसेज आके जल्दी भेज दिए, हम लोग भेज दिए, बट इतना लंबा टाइम होने के बाद भी अभी तक किसी को कुछ पैसा मिला नहीं। छह डॉक्टर जमशेदपुर के थे, तो थोड़ा सा दुखद लगता है कि उस समय तो लोग जान दे करके लड़ के काम किया, हम ही लोग देखिए हम सर्विस नहीं कर रहे, प्रैक्टिशनर हैं, और DC साहब से बात हुई थी कि नहीं सब प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो फिर TMH में या MGM में बहुत बेसी लोड पड़ जाएगा और पेशेंट्स का। इसको देखते हुए हम लोग सबों ने प्रैक्टिस कंटिन्यू कर दिया। इसी दरमियान हम भी बीमार पड़ गए, सेक्रेटरी साहब बीमार पड़ गए, हमारे वाइस प्रेसिडेंट बीमार पड़ गए, बहुत से डॉक्टर बीमार पड़ गए, तो हम लोग तो भरसक कोशिश किए कि हाँ इस महामारी में लोगों को सहायता करें, अपने जान दे करके अपना कष्ट करके भी करें, तकलीफ लेकर भी करें। तो सरकार तरफ से भी बनता है कि जो परिवार खत्म हो गया, जिसके परिवार में जो मेन मुखिया थे वो चले गए, तो उनको जल्दी से जल्दी कुछ हेल्प किया जाए। साधारण रोड पर एक्सीडेंट होता है, चारों तरफ घेराव होता है, तो 10 लाख 5 लाख गवर्नमेंट तुरंत दे देती है। गवर्नमेंट क्या कुछ नहीं।